लोगों के गायब होने की तादाद में लगातार हो रही बढ़ोतरी से लोकल अथॉरिटीज परेशान हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ नहीं आ रहा है कि गायब होने वाले लोगों का आकाश में देखी गई रोशनी से क्या संबंध है, लेकिन उन्होंने लोगों को चेतावनी दी है कि घर से बाहर ना निकलें। खास तौर से अंधेरा होने के बाद हाइकर्स का गुमशुदा होना, परिवार वालों का घर वापस ना आना, इंजन चलती हुई खाली गाड़ियों का मिलना, ये सब अभी भी इस राडार में नहीं आया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनका आपस में कोई तो संबंध है। अथॉरिटीज ने पूरे देश में खोजबीन का सिलसिला शुरू कर दिया इस उम्मीद में कि ये राज सामने आए। किसी को भी अगर कुछ अजीब लगता है तो घबराएं नहीं और इसकी सूचना अथॉरिटीज तक जरूर पहुंचा दें और बिल्कुल परेशान ना हो। दो दिन से मैट प्रूइट नाम के एक हाइकर लापता है। उनके दोस्तों का कहना है कि वो अक्सर इस तरह की हाइकिंग पे जाते रहते थे और अथॉरिटीज का कहना है कि वो किसी चीज से टकराकर जंगल में कहीं खो गए हैं, लेकिन एक आई विटनेस को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लगता नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो खोया नहीं है, कोई चीज थी जो उसे ले गई। चीज? हाँ, एक शिप आसमान से आई थी। ओके, थैंक यू। उम्मीद है सच का पता चल जाएगा। देखो, मैं का कहना है, नहीं होगा, अगर लेकिन किसी मैंने को इनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो रिपोर्ट जरूर करें। हमारा आपसे अनुरोध है। मैंने कहा था ना, ये वही है। वो ये क्या कर रही है? ये वही बैठे। चलो भागो यहाँ से। गाइस, हम हैं रोबोटिक डिपार्टमेंट की वर्कशॉप में और हम अपनी कैंपेन के ट्रिप के लिए कुछ सामान इकट्ठा करने वाले हैं। पता है कि आप लोग क्या सोच रहे होंगे, रोबोटिक और कैंपेन का क्या लेना देना? वेल, आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा, क्लो, लुके और मैं स्पेशल चीज पर काम कर रहे हैं। और ये देखिए, हे, वो देखिए क्लो, तुम अब भी यही कर रही हो? हाय, बोलो क्लो, मुझे पता है कि तुम क्या काम कर रही हो। मैं तो साइकिल पैच के कोड का नया सीक्वेंस लिख रही हूँ। हाँ, अच्छा, मुझे लगा तुमने दो दिन पहले ही कर लिया था। हाँ, मतलब मैं कोशिश कर रही थी लेकिन फिर मैं दूसरे कोड्स में लग गई और उन्होंने ज्यादा टाइम ले लिया। ओके, कैमरे के लिए कुछ बोलो जो कि प्रेजेंटेबल लगे। ओके, तुम्हें करना होगा। ओके, ठीक है। हाँ, ये क्लो है। ये लोग दिन रात मेहनत करके इसे सक्सेसफुल बना रहे हैं, सही कहा ना लोग? हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम एक्साइटेड हो? एक्चुअली हाँ, हमारी टीम कितनी हैवी लिफ्टिंग कर रही है। रेडी, चलो। यो और मैं भी हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? पकड़ लिया ना अच्छे से? हाँ, पकड़ लिया। तुमने पकड़ा? ध्यान से प्लीज। हाँ, ध्यान से। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? कॉर्नर पे देखना, कॉर्नर पे देखना। हाँ, हाँ, देख रहे हैं। ध्यान से देखो। पहुंच गया। हाँ, देख रहे हैं। और यहाँ रख दो। ये तो बहुत ही भारी था। हाँ, वैसे तुम स्ट्रांग हो। कैमरा के लिए कुछ अपडेट्स हैं? हाँ, अपडेट्स। वैसे हम इसके जॉइंट्स अब बिल्कुल ठीक हैं। ये स्मूथली मूव कर रहा है और ये टॉप से भी हैवी नहीं है। अब इसका वेट अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उम्मीद है ये नया बैलेंस पैच काम करेगा। हाँ। प्रोफेसर हेली, अगर आप देख रही हैं तो नाराज मत होइएगा। हमने डिपार्टमेंट से कुछ चीजें बोरो की है, नाराज मत होइएगा। हम इसे इसी हालत में लाकर वापस रख देंगे, ठीक है? सही कहा ना? ऑलराइट, अब आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बाय बाय। ठीक है दोस्तों, आज का काम खत्म हुआ। हेलो हेलो, मुझे यहाँ क्यों लाया हो? हेलेन कहाँ है? क्लोई कहाँ है? कोई तो बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बैठ जाओ, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। गाइज, आई एम सॉरी। ओके, हम यहाँ इसलिए फंस गए क्योंकि लुक ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने सुनी थी लेकिन काम इतना ज्यादा था कि मैं भूल गया, ठीक है? हमारे पास भी बहुत काम था ल्यूक, तुम्हें क्या लगता है हम खाली बैठे हैं? यार,
ठीक है हम पहुंच गए। ओके, बस पहुंच गए। ओके, अच्छा सुनो, हम लोग वैसे भी बहुत लेट हो गए, तो प्लीज जल्दी करो, ठीक है? ठीक है। हेलो, यहाँ तो कोई है नहीं, शायद तुम्हें ही जाना पड़ेगा। हाँ, तुम लोगों ने देखा, ये पुराने जमाने का लग रहा है। वो दरवाजा, हेलेन ये रुकना, मैं देख कर आता हूँ। ये गैस स्टेशन वर्किंग भी है? यहीं पर रुकना, मैं बस अभी आता हूँ। अजीब है ये, कोई अंदर है? रुको जरा, क्या तुम श्योर हो? हेलो, सब लोग गए कहाँ? और इतनी देर से रोड पर कोई कार भी नहीं दिखी, है ना? तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? हाँ थोड़ा अजीब तो लग रहा है, ये तो भूतों का शहर लग रहा है। हाँ मुझे लगता है कि वापस आते समय पेट्रोल लेना चाहिए। अभी के लिए तो है ना? हाँ मेरे हिसाब से हो जाएगा। हो जाएगा? तो क्या देख रहे हो तुम, कुछ दिखा क्या तुम्हें? तुमने वहाँ देखा? नहीं, क्या क्या देखा तुमने? वो कयोटी जैसा कुछ शायद, पता नहीं। चलो गाड़ी में बैठते हैं, सब ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, ठीक है तो फिर चलो चलते हैं, पेट्रोल रास्ते में कहीं और ले लेंगे। ठीक है क्लोई, क्या तुमने वो देखा? हाँ ये बड़ा अच्छा है। वैसे ये बहुत एक्साइटिंग है, तो चलो दोस्तों चलते हैं। अब शायद बहुत मजा आने वाला है आगे, देखते हैं क्या होता है। वही भूतों के शहर वाली मजेदार स्टोरी। हाँ ऑलराइट, ये लो रिकॉर्ड हो रहा है। एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो। ठीक है। हाँ हाँ बस हो गया। अच्छा ठीक है। यप। ओ माय गॉश, अब क्या होगा? गुड, हमारे पास सारे एंगल्स मिलने चाहिए। मैं नहीं चाहती जो होने वाला है उस पर किसी को भी शक हो। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अपनी नजर हम पर रखिए। ओके, ड्रोन ऑनलाइन, रोल कॉल, क्लू। हाँ लुक। हाँ मैं यहाँ दोनों कैम्स चला रही हूँ। हेलो, आज अक्टूबर 13 है और मैं हेलेन मार्टिन हूँ, अपने दोस्त लुक के साथ, और मेरे साथ है क्लो भी। ये वीडियो लॉग्स डॉक्यूमेंटेशन है हमारे प्रोजेक्ट हॉर्नेट के, इसीलिए आज हमारी टीम आपके सामने पेश करने जा रही है अपनी 9 महीने की खून पसीने की कड़ी मेहनत की रिजल्ट आपके सामने पेश करने। तो हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं द हॉर्नेट। ये खड़ा हो रहा है। और ये हो गया। हॉर्नेट को क्राइसिस रिलीफ इमरजेंसी ऐप टीम में काम करने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्रिएट बहुत बोरिंग नाम होता है, इसीलिए हमने इसका नाम हॉर्नेट रखा। मतलब आप इसका कलर तो देखिए, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये मैं कह सकती हूँ। हम चाहते थे ये सबसे अलग दिखे। हाय बोलो हॉर्नेट। हेलो। तो दोस्तों ये वीडियोस हॉर्नेट बेटा टेस्ट के रूप में यूज होंगे। ये लोकेशन हमने सबसे ज्यादा प्राइवेसी के लिए ढूंढी है, और हाँ अगले 24 घंटों में हम यहीं पर रहेंगे हॉर्नेट के साथ। ये हिस्ट्री होने जा रही है। ये शॉप लग रहा है, वो ज्यादा ही शॉप लग रहा है। अच्छा काम किया क्लो, बहुत अच्छा। hey, हमने भी मेहनत की है। भी बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। वैसे सच ये है कि इसने अभी तक कुछ किया नहीं है, तो ओके तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मुझे ये जानना है कि मेरे दोस्त ठीक तो है ना?
मिस्टर सेवलम, हमें लगता है आप और आपके साथी एक बहुत बड़ी घटना के विटनेस हैं। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला जब तक मेरे दोस्त यहां पर नहीं आ जाते। मिस्टर सेवलम, हमें डर है कि आप और आपके दोस्त नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हम खतरा हैं? मजाक मत कीजिए। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। ओके, मुझे दोस्तों से मिलना है। क्लोई कहाँ है? हेलन कहाँ है? जब तक वो नहीं दिखते मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। ये सब एक एक्सपेरिमेंट से शुरू हुआ था। मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैंने एक रोबोट बनाया, एक फुल्ली फंक्शनल असिस्टेंट मशीन। फिर हम उसे सबसे पहले फील्ड टेस्ट के लिए बाहर लेकर गए। सब तैयार हो? हाँ हाँ, तैयार है। एक क्लोई, क्या मुझे स्नैक बार मिलेगी? खुदा कर नहीं ले सकते क्या? दिख नहीं रहा, मैं बिजी हूँ। हे, आराम से। ऑल राइट, नाइस। अब हम भी देखेंगे तुम्हें क्या दिख रहा है, बड़ी। रेडी दोस्त? हाँ, तैयार हूँ। चलो शुरू हो जाओ। वाह, तो जंप करता है। नाइस, बढ़िया। बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने कहा था कि उसके जॉइंट्स लूज को ठीक करना होगा। हाँ हाँ, सही कहा, तुम सही कहते हो। ओके, ऑलराइट, तो हम तैयार हैं। ये है हॉर्नेट, इनिशिएट रेस्क्यू प्रोटोकॉल। अरे यार, बहुत ज्यादा तेज है। क्या ये मजाक है? अप्रोचिंग जीपीएस पोजीशन। हाँ ठीक है, आराम से, कम ऑन। आज उसका पहला दिन है, इतनी मेहनत मत करवाओ। वो कर सकता है। ओह, लेकिन अब वो दिख भी नहीं रहा। ओह, शायद वो फ्रेम से बाहर चला गया है। अब क्या करें? चलो चल के उसे पकड़ते हैं। हा? चलो पकड़ेंगे। चलो जल्दी करो। हा? चलो। ओके ओके, चलो चलो फिर। चलो, मैं आ रही हूँ। मुझे oh my God! वो क्या कर रहा है? चलो चलो चलो। यार, हम पकड़ लेने के लिए बहुत तेज है। आ जाओ। वो बहुत दूर जा चुका है। आराम से आराम से। सच में वो कमाल का था, बहुत मजा आया। इसका इंटरफेस जैसे हमने सोचा था उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। ऐसे हवा में उड़ रहा था। ये हमने बनाया है। क्या बात है, बहुत मजा आया। डेंजर। हाँ दोस्त, तुमने डेंजर जगह का पता लगा लिया और स्कैनर्स के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है। कोई आ रहा है क्या? हाँ, कोई तो है। लेकिन तुमने कहा था कोई नहीं आएगा। डेंजर, मुझे लगा था ये सेफ है। कहाँ कहाँ पर हॉर्नेट, वो कहाँ है? कहाँ गया वो? हाँ, इसे जल्दी छुपाना होगा। चलो, हमें इसे छुपाना होगा। चलो जल्दी करो। कम ऑन हॉर्नेट, चलो।
चलो मेरे साथ चलो। एफर्मेटिव। नेचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सब लोग शांत रहो। हाय। हाय सर। क्या ये तुम्हारा है? हाँ, क्यों, कोई दिक्कत है ऑफिसर? फॉरेस्ट का ये पोर्शन कैंपिंग के लिए नहीं है। तुम लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। ली बाथरूम कर रहा है पेड़ के पीछे। बेचारे का ब्लैडर खराब है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सर। ठीक है, तुम तीनों यहाँ से जाओ अभी। ओके, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हाँ हाँ, सच में। होने, छुपे रहो, चुप। ऑल राइट, तो तुम लोग यहाँ से जाओ। मैं कह रहा हूँ कि तुम तीनों यहाँ से जाओ। हॉर्नेट, मैंने कहा छुपे रहो, जल्दी से। अब मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों की हरकतें देखकर। ये कोई तुम्हारी पार्टी का स्पॉट नहीं है जहाँ तुम ड्रग्स वगैरह या इस तरह की हरकतें कर सको। सर, हम ये पता नहीं कब जाएगा। हॉर्नेट, जैसा कहो वैसा करो। ग्रहम, ग्रहम, तुम कहाँ पर हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ। ग्रहम फोर में कुछ गड़बड़ हुई है, तुम जल्दी वहाँ पहुँचो, सब गड़बड़ है। चलो जल्दी जल्दी करो सब। डिस्पैच, बस खत्म होने वाला है। डिस्पैच। हाँ, हम कैंपिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो बस यहाँ से निकल रहे हैं। चलो, मुझे अब जाना है, और तुम लोग भी जाओ। ओके, हम अपना सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, पक्का सर? नहीं, तुम लोग अभी ही जाने वाले हो। ठीक है, लेकिन हमारे सामान का क्या? कम से कम हमें सामान तो ले जाने दीजिए ना। अब एक रेंजर है, इतना तो कर ही सकते हैं। ये तो तुम्हें नाराज करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तुम लोग एक बार में रूल्स को तोड़ चुके हो, दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं किसी को भेज कर ये सब क्लीन करवा दूंगा और तुम्हारा सामान भी पैक करवा दूंगा। तुम बाद में आकर के ले जाना। ये क्या बात हुई, हम अभी अपना सामान लेकर चले जाएंगे? नहीं, या तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो तीनों को अरेस्ट कर लूंगा। क्या कहा? आपके पास इतनी अथॉरिटी है भी क्या? अच्छा, आप अपना बैच नंबर रुको। ओके ओके, यही रहना। ओके ओके, लुक, मुझे चाबी दो, मैं ड्राइव करूंगा। आ रहा हूँ। थैंक्स करने देने के लिए, बस ये जैकेट ले लेता हूँ। अरे यार, इसकी प्रॉब्लम क्या है? हम कैंपिंग कर भी नहीं रहे थे। चाबी, वो वहीं रह गया। पता है, वो उसे ढूंढ लेगा। मैं जानती हूँ, हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, हम ऐसा शो करते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं। कितनी अच्छी कहानी है कि कॉलेज के कुछ बच्चों ने एक रोबोट बनाया, उसे फॉरेस्ट में लेकर गए मजे करने के लिए। लेकिन सच कहूं, मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तो मिस्टर साल्वन, हाई स्कूल में तुम्हारे ग्रेड्स 2.0 थे, और अब तुम्हारे जैसा कोई लड़का कॉलेज में आकर रोबोट कैसे बना सकता है? मैं ऑटो वर्कशॉप में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, वैसे कार ठीक करना और रोबोट बनाना दोनों अलग चीजें हैं। इसमें सेंसर्स और सॉफ्टवेयर्स लगते हैं इसे फ्लाई कराने के लिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे पता है, वो चीजें क्लोई और हेलन देखती हैं, वो प्रोग्रामिंग करती हैं, और मैं गैजेट्स बनाता हूँ। मैं एक इंजीनियर प्रो हूँ, और ये साबित करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो तुमने इसे उड़ाया कैसे? तो क्या हुआ, कोई भी चीज उड़ सकती है अगर उसे स्टेबलाइज किया जाए तो। ड्रोन्स उड़ते हैं, वो ड्रोन्स तो आपके पास भी होंगे ना सर? फैसिनेटिंग। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम? हाँ, देखिए, आप मुझसे हॉर्नेट के बारे में पूछ चुके हैं, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। मैं आपको तब तक कुछ नहीं बताऊंगा जब तक मेरे दोस्तों का कुछ पता नहीं चलता।
चीफ, आपको यहां फरमाइश करने की इजाजत नहीं है। सच कहूं तो तुम अभी मेरी कैद में हो। नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए मिस्टर सेवलन। तुम कितने स्ट्रांग बन जाओ लेकिन अंदर से तो एक डरे हुए बच्चे ही हो, समझे? पता है मैं तुम्हें समझता हूं, तुम एक नारियल की तरह हो, बाहर से सख्त दिखते हो या दिखाने की कोशिश करते हो लेकिन अंदर से बस एक कमजोर से कीड़े की तरह हो, वो भी एक छोटा सा कीड़ा। आप अपनी ये फालतू की साइको एनालिसिस बंद करेंगे? मेरा सर दर्द हो रहा है। मुझे तुम्हें एनालाइज करने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें। तुम एक बहुत ही कमजोर लड़के हो जो लड़कियों के साथ तो रहता है लेकिन उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखा तुम कितने भोले हो। आप क्लोई की बात कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैं मार डालूंगा। जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक हम में से कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे बकवास सवालों के जवाब दे दूं तो तुम मुझे मेरे दोस्तों से मिलने दोगे? देखते हैं। और आगे क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि रोबोट, इसकी फंडिंग कहां से मिलती है? प्रोफेसर ने वो पैसे अरेंज किए थे किसी ग्रांट वगैरह से शायद। तो इस रोबोट को बनाने में कितना खर्च आता है बताओ मुझे। मुझे नहीं पता, मैं पैसों पर ध्यान नहीं देता, मैं बस पार्ट्स अरेंज करता हूं। तो इन रिसोर्सेस को कौन हैंडल करता था? मुझे नहीं पता, शायद हेलेन हो। देखो मैं एक सीधा साधा लड़का हूं, मुझे जो काम मिलता है मैं वो अच्छे से करता हूं। चलो मुझे ये बताओ कि हॉर्नेट को बनाने में कितना टाइम लगा? कुछ महीने बस, मतलब कुछ पार्ट्स पहले से थे, कुछ हमने बनाए और कुछ अरेंज किए मैंने। इतनी मुश्किल चीज इसे बनाने में बस इतना सा वक्त लगा तुम्हें? हा? हाँ। अच्छा तुम्हें ये बहुत अजीब सा नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा तुम्हें? अजीब मतलब कैसे? मतलब तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीन इतनी कम रिसोर्सेस में बना ली, तुम्हें यह बात कुछ अजीब सी नहीं लगी? क्या क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा? मुझे कुछ कहां समझ में आ रहा है, मैं तो बस एक कमजोर सा बच्चा हूं, सही कहा ना मैंने? देखो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। आप मुझसे सुनना क्या चाहते हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? रेंजर के आने के बाद। हाँ रेंजर के आने के बाद फिर हम कार में वापस गए, उसके बाद हमारे साथ बहुत सी अजीब चीजें हुई। लेकिन आपने जब मेरे पहली बातों पर भरोसा नहीं किया तो इस बार कैसे करेंगे? चलो बताओ। तो फिर मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। देखो हम ऐसे अपना सामान नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हम अभी नहीं जाएंगे तो हम अरेस्ट हो सकते हैं। हमें हॉर्नेट को यहीं छोड़ देना चाहिए। हॉर्नेट अभी दुनिया के सामने एक्सपोज होने के लिए रेडी नहीं है, हम उसे बाद में वापस ला सकते। ओके, तो हम एक एक्सपेंसिव इरिप्लेसेबल हाईटेक मशीनरी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। समझी? तो 10 फुट लंबा रोबोट है, आई थिंक वो मैनेज कर लेगा। देखो गाइस, हम ऐसा शो करेंगे कि हम चले गए हैं और जैसे यहाँ सब क्लियर हो जाएगा हम वापस आकर हॉर्नेट को ले जाएंगे। और उसने सुना था का क्या उसे होगा? कुछ और भी काम था, पता नहीं क्या तुम्हें। हेलेन! ओह माय गॉड! क्या? ये क्या देख रहा है? वो यहाँ कैसे खड़ा है? सर, आई एम सो सॉरी। सर आप ठीक हैं? हेलेन ध्यान से। सर आपको कुछ हुआ तो नहीं है? आप हमें सुन रहे हैं? आप ठीक तो है ना सर? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या हुआ आपको?
आपको मदद चाहिए? आप हमें सुन सकते हैं? अरे गाइस, उसके हाथ में हैचेट है। आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, हम मदद करेंगे। हेलेन, इसके ज्यादा पास मत जाओ, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, कार में वापस चलो। हेलेन, गाड़ी के अंदर आ जाओ। तुमने देखा उसे? लगता है उसके मुंह से कुछ ब्लैक स्टफ निकल रहा था। वो तो इंसान भी नहीं दिख रहा था। क्या तुमने उसके चेहरे को ध्यान से नहीं देखा? पता नहीं मुझे, शायद वो बीमार हो, हमें हेल्प करें। नहीं, मुझे नहीं लगता, उसने हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया। क्या 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 देखा? क्या यार, दूर रहो, दूर रहो। ये क्या है? तुम चाहते क्या हो? ये तो मुझे बस घूरे जा रहा है। ये कोई मजाक है क्या? ये कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? दूर रहो, पास आ रहा है। दूर हटो। क्या ये कोई मजाक नहीं है, समझे? बहुत घटिया मजाक है दोस्तों, इसके हाथ में हैचेट है। वो जा रहा है। यहाँ पर तो और है, यहाँ इसके पीछे और भी है। सामने देखो, वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। वो देखो, वो चेक, उधर देखो क्या है दोस्तों, क्या हो रहा है? यहाँ से निकलना होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। निकलना होगा, ये चल क्या रहा है? क्या है क्या हो रहा है? क्या ऊपर कोई है? आखिर ऊपर है कौन? ये चल क्या रहा है? आखिर क्या हो रहा है ये? तुम्हें क्या चाहिए? कुछ कर रहे हैं, से गाड़ी से जाओ। तुम्हें अपने क्या चाहिए? जल्दी करो, चलो जल्दी करो, चलो चलो साइड चलो, भागो जल्दी करो। ये क्या हो रहा है? ये लोग करना क्या चाहते हैं? तुम हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकते। तुम्हें हमसे क्या चाहिए? ये लोग क्या करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी गाड़ी वहाँ पर है और हम उसे नहीं छोड़ सकते। आखिर ये कर क्या रहे हैं? ये कोई मजाक नहीं है। वो तो बस घूर रहे हैं। ऊपर वाले, ये क्या? अरे यार, इस तरफ जल्दी जाते हैं, इस तरफ जल्दी करो, आओ। कौन थे आखिर वो लोग? वो क्या था? पता नहीं। आखिर वो लोग थे कौन? नहीं पता। तुमने उन लोगों को देखा? अब हम करेंगे क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लोग हमारे पीछे पड़े थे, हमारी कार के साथ क्या होगा? वो लोग मरे हुए थे क्या? ठीक है, हमें बात करनी होगी, हमें कुछ सोचना होगा, कुछ तो सोचना होगा। जस्ट प्लीज, ओके, सांस लो। हमारे पास हॉर्नेट नहीं है, हमें कुछ और सोचना होगा। जब हम हॉर्नेट को वापस लाने गए थे तो वहाँ पर वो नहीं था, इसका मतलब वो माउंटेन में खो गया। कहाँ हो सकता है वो? उन्होंने क्या? कहाँ हो सकता है? पता नहीं, शायद वो कहीं खो गया है। तुम बाहर मत जाओ। मुझे ऐसा ही लगता है। सुनो, तुम इधर आ जाओ। वो सब कितने घिनौने थे। कुछ तो हो रहा है, कोई एपिडेमिक या कुछ और हो रहा है वहाँ। ये कौन है? नहीं भाई, नहीं। ये क्या था? वो आ रहे हैं। अरे यार, सुनो, कुछ बेसमझ कर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये चल क्या रहा है? नॉक नॉक, हेल मार्टिन। अरे यार, ये क्या मजाक था? हॉर्नेट, ओह माय गॉश, हॉर्नेट। सच में अंदर आ जाओ बेवकूफ। जहाँ हमने तुम्हें रखा था वहाँ क्यों नहीं रुके तुम? हॉर्नेट को फोन रखा है। हाँ, तुम्हें वहीं रुकना था। गेट बंद करो, गेट बंद करो। मैंने तुम्हें ऐसे प्रोग्राम नहीं किया था। स्टूपिड गेट। हॉर्नेट, रेडी? तुम कहाँ थे? हमने तुम्हें कहा था वहाँ से कहीं मत जाना, समझ गए? क्यों नहीं गेट बंद करा हमें? तुमने वहाँ पर कुछ देखा? तुमने कुछ भी देखा? हम इसकी रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चेक, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं कर रही हूँ। क्या हो रहा है ये? नहीं, फिर से वही लोग तो नहीं आ गए? कौन है वही लोग? तो नहीं है फिर से? लगता है कोई है। हेलेन, कैमरा ऑन करो,
पीछे रहो। यहाँ लेकर आओ जल्दी से। हमारे चारों तरफ कोई है। भयानक हो रहा है। ये क्या है? ओह माय गॉड। ये क्या चल रहा है? आखिर ये है क्या? ये क्या बला है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो शायद एलियन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि ये शायद कोई मिलिट्री टेक हो। ये मिलिट्री सिग्नल्स नहीं है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी, लेकिन मुझे नहीं पता। ओके, इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगी। हो सकता है मिलिट्री टेस्टिंग हो। कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री टेस्टिंग, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? डेंजर डेंजर, कुछ भी नहीं है। हॉर्नेट, क्या तुम्हारे सेंसर्स बता सकते हैं अगर कोई इंसान यहाँ आएगा तो? कोई इंसान 100 फीट की दूरी से आ रहा है। 90, 80, 70। चुप करो। ये क्या हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। अब हम क्या करें? ये क्या हो रहा है? Oh gosh, वो बाहर ही है। था यार, शांत रहो यार, हमारी जान हलक में आ गई थी, ठीक है? अब क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? कौन है? वापस आ गए क्या? हॉर्नेट, अब क्या है? अब बस एक ही है, बस एक ही है। मैं नहीं डरता, हमें कुछ करना होगा। रुक जाओ, मुझे जाना है। क्या कर रहे हो? सुनिए, अंदर आ जाइए जल्दी से। तुम लोग अभी यही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। चलो जाओ यहाँ से। हॉर्नेट, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? हॉर्नेट ने शांत रहने को कहा था। देखिए, I'm sorry, okay? वो लोग जो बाहर थे उन्होंने तुम पर अटैक किया, पता है मुझे? देखो, बाहर कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है, okay? बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और फिर वो इस तरह के रूप में वापस आ रहे हैं। उन्होंने हमारे एक साथी को मार दिया और मेरी बाइक भी तोड़ दी उन्होंने। अब क्या होगा? ओह माय गॉश, अब ये माउंटेन सेफ नहीं है। हमें किसी सेफ जगह पर जाकर मदद मांगनी चाहिए। हॉर्नेट एग्री, तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए हमें और लोगों को इसके बारे में बताना होगा। ये क्या है ये? रुको, क्या आपने इमरजेंसी सर्विस बोर्ड पहले कभी नहीं देखा? आपको बाहर का रास्ता पता है? हाँ, मेरे साथ आओ। ये लो। हॉर्नेट, कम ऑन। चलो जल्दी करो। चलो हॉर्नेट, चलो। तुम्हें पता सुनने में कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो क्रेजी, और सच में सब वैसा ही था, सब कुछ क्रेजी था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही होगा ना, UFOs और एलियंस के बारे में पता होगा। हाँ, चलो भी, अब यह बात कोई रास थोड़ी रह गई है। कमान, हमें पता है कि आपको सब कुछ पता है। जिन्होंने तुम पर अटैक किया वो कौन थे? मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था।
देखिए, हमने किसी को अपनी तरफ से पहले कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है? मैंने नुकसान पहुंचाने वाली बात तो अब तक की नहीं। आप फिर शुरू हो गए अपनी बकवास सी गीदड़ भक्कियों को लेकर। नहीं, जब मैं धमकी दूंगा तब तुम समझ जाओगे। गलत है, बहुत गलत है। मुझे पता है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है जो यूजलेस हैं और कोऑपरेट नहीं करते। मैं अभी कोऑपरेट कर रहा हूं, समझते नहीं है क्या आप? शायद नहीं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। ऐसा नहीं होता है लुकी। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई और हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, मतलब ये सब होने के बाद मुझे कैद करके रखा गया है। मैंने तो सुना था कि गवर्नमेंट के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन यहां आकर तो सब उल्टा ही दिख रहा है। तुम प्रूफ चाहते हो कि हम तुम्हारी साइड हैं? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि दुनिया में कुछ अच्छा बचा भी है और आप ये सब होने के बाद मुझे नहीं मारने वाले हैं। तुम हमेशा सेफ्टी ढूंढते हो। तुम कहते हो कि तुमने एलियंस देखे जबकि तुम पर उन अजीब सिविलियंस ने अटैक किया। तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती, पैंट के अंदर पेशाब कर देता। मैं हैरान होता कि आगे क्या होने वाला है, मुझे नहीं समझ आता अब क्या होगा। मैं बहुत घबरा गया होता। मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं, सच में मैं मजे में हूं। तुम्हें पता है मैंने जिंदगी से एक चीज सीखी है कि तुम कभी भी सच में अच्छे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि सांस ले रहे हो और ये दुनिया हर सांस के बीच तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि आप गलत हैं। तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं कहां तक सही हूं। जब तैयार हो जाओ तो मुझे बता देना। तो तुम तैयार हो ना? हाँ, सारे माउंटेन पर दिख रही है। हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है या फिर कैसे आ रही है। मुझे लगता है ये एलियन है। क्लोई, कम ऑन, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर नहीं है तो वो अजीब लोग कहाँ से आए? हो सकता है कि वो पीसीपी जैसा कोई ड्रग्स। हाँ, और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को ये पीसीपी नहीं था हेलेन, कल्चर कर देते हैं और आप अजीब हो जाते हैं। वो शेप ऑरेंज की हो सकती है। अच्छा, तो स्लाइड का क्या जो लोगों को उड़ा कर ले जा रही है? और ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ऐसा कर सके। टेक्नोलॉजी की बात है, तुम लोग को शायद नहीं पता है कि बचो, इनसे बचो। हेलेन, हेलेन, देखो, देखो उसे। भागो, भागो, जल्दी करो। चलो, जल्दी करो। इंजो, क्या वो ठीक है? क्या कर रहे हैं? जल्दी करो, जल्दी करो। हो रहा है यहाँ पर? हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। चलो जल्दी करो। सिर्फ उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। हॉर्नेट इस तरह की क्राइसिस को रेस्क्यू करने के लिए बनाया गया है, वो मैनेज कर लेगा। हमें रास्ता बताओ हॉर्नेट। हॉर्नेट नहीं कर पाएगा, तुम पागल हो क्या? वो क्या करेगा,
देखो जब वो रेंजर मारा गया तब ये सिर्फ खड़े होकर देख रहा था। उसने कुछ स्किल्स खुद दिखाई है लेकिन इसके लिए उसे प्रोग्राम नहीं किया गया है। ये कोई फील्ड टेस्ट नहीं है। समझो। लेकिन हम भी इंसान हैं और ये टेक्निकली इंसानों को हर्ट नहीं कर सकता। ओके अगर हम लड़ना चाहते हैं तो हमें हॉर्नेट के कोड पैरामीटर्स को रीप्रोग्राम करना होगा। ओके चलो करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? इसे रखने की जगह ढूंढते हैं। इंतजार करने के लिए शुक्रिया मिस मार्थी। ये किसकी आवाज थी? तुम लोगों को टॉर्चर कर रहे हो? अगर मैं कहूँ हाँ। किस तरह के लोग हो तुम लोग? हम तो अच्छे लोग हैं ना? नहीं, जब तक मेरा लॉयर नहीं आता मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। मैं कुछ नहीं कहूंगी जब तक मैं लॉयर से बात ना कर लूं। तुम लोग और तुम्हारे लॉयर्स, मान लो कि हम किसी दूसरी दुनिया में हैं, जहां लॉयर्स होते ही नहीं है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये कोई गेम हो। वेल, अगर ऐसा है तो ये उसका नया राउंड है। तुम्हें पता है हम उसे ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते, नहीं तो बेचारा मर जाएगा, इसीलिए हमने उसे थोड़ा टाइम दिया। क्या तुम पागल हो? हाँ, लोगों ने पहले भी कहा कि ऐसा, लेकिन मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता। मैं अपना काम कर रहा हूँ मिस मार्टिन, और आप इसे अच्छे से समझ रही हैं, राइट? मेरा मतलब आप टेक जीनियस हैं और आप मशीन बनाती हैं जो कुछ फंक्शंस करती हैं। इसका मतलब आप भी फंक्शन करती हैं, ठीक कहा ना मैंने? मैं रोबोट नहीं हूँ, मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कोई कोड किया हुआ प्रोग्राम नहीं हूँ मैं। मेरे साथ जो लोग हैं वो मुझे प्यार करते हैं और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे। अब वो तब तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक मैं नहीं चाहता। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरा फंक्शन क्या? मुझे नहीं जाना, बस मुझे अपने दोस्तों से मिलना और घर जाना है। मेरा फंक्शन मिस मार्टिन ये है कि तुमसे, तुम्हारे सभी दोस्तों से, तुमसे, तुम्हारे दोस्तों से, प्रोफेसर से, तुम्हारे रोबोट हॉर्नेट से इंफॉर्मेशन निकालूं, और मैं उस लिंक को ढूंढूं क्योंकि तुम्हारे और माउंटेन के बीच में जो कुछ भी हुआ। और तुम्हें क्या पता माउंटेन पर जो हुआ उसके बारे में? जितनी समझदार तुम खुद को समझती हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो तुम। और इसका मतलब क्या है? यूं कह लो कि हम दोनों एक सफर पर हैं मिस मार्टिन, लेकिन आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आवाज जानी पहचानी लग रही है ना? तुम ऐसा नहीं, लुक। हाँ, ये वही है। उसने आधी कहानी तो बता दी है, बाकी की तुम जल्दी जल्दी बता दो। अगर तुम कोऑपरेट करोगी तो मैं ये सब नहीं करूंगा। तो हम एक डील करें? ठीक है, प्लीज उसे हर्ट करना बंद करो पहले, प्लीज। हाँ, रुक जाओ। तो तुम वहीं से शुरू करो जहां से उसने खत्म किया था। उसने कहां तक बताया था? हॉर्नेट डर रहा है। सच में हॉर्नेट, तुम डर रहे हो? ऐसा भी होता है क्या? हाँ, हो सकता है। इट्स ओके बाजी,
ओके, क्या ये कनेक्ट हो गया? ऑलराइट। जो भी कर रही हो बस जल्दी करो। जितनी जल्दी कर सकती हूँ कर रही हूँ। ओके हुआ क्या? बस हो गया। ऑलराइट, हो गया हो गया। तुम श्योर हो? हाँ। तुम श्योर हो ये काम करेगा? नहीं पता। हॉर्नेट, अब क्या करने वाले हो तुम? लोई, पीछे हटो। छोड़ो मुझे, एक गर्ल्स को बचाना है। काम हो गया। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। बचाना है। हॉर्नेट, मजा आ गया यार। मुझे बचा लिया। पता नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। इसने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। गाइस, कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? पता नहीं, मतलब वो वापस आ सकते हैं, है ना? हाँ। उनका कुछ पता नहीं। तो हमें तैयार रहना होगा। हाँ। चलो चलते हैं। चलो जल्दी करें, जल्दी चलो। तुम लोग श्योर हो कि आइडिया अच्छा है? शायद नहीं। अच्छा ही होना चाहिए। हे, नालायक लोगों, कम ऑन, आओ पकड़ो हमें। क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता, बस वहीं पर खड़े हैं। खड़े हैं? वो आ गए। आराम से, चलो चलो निकल यहाँ से। चलो एक अर्थ भागिए। हमें चलना होगा, हमें चलना होगा, जल्दी से जल्दी से। चलो चलो चलो। लियो कर जाओ। सिविलियंस होते हुए भी तुम्हारे अंदर बहुत टॉलरेंस है। टॉलरेंस टॉर्चर। तुम एक बहुत अच्छे एजेंट बन सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं। कम ऑन, मेरी मदद करिए प्लीज प्लीज। क्या मैं क्रूर लगता हूं? ये कोई ट्रिक क्वेश्चन था क्या? मैं अच्छा दोस्त हो सकता हूं और बुरा सपना भी, चॉइस तुम्हारी है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? चलो जल्दी चलो, हमें यहां से निकलना होगा। आखिर ये लोग हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? पता नहीं। रेंजर, तुम यहाँ? तुम यहाँ तक आ गए? हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। देखो, पूरी हिल्स पे ये लोग फैल चुके हैं। हम बात नहीं कर सकते, हमें चलते रहना चाहिए। कमान कमान, यहाँ यहाँ कमान। चलो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कमान, चलो चलते हैं। चलो। ये क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? बचाना है। तुम ठीक हो मेरे दोस्त?
चलो भागने का समय है। हॉर्नेट अब तुम क्या करने वाले हो? नहीं, हेलन, नहीं हेलन, हॉर्नेट, क्लोई, हॉर्नेट, क्लोई, नहीं, नो, हॉर्नेट उठा, जल्दी उठा। हॉर्नेट क्या कर रहे हो तुम? उठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना होगा। इस तरफ। आराम से, आराम से क्लोई, आराम से। आराम से। ध्यान नहीं चल सकती। वो क्या है? वो क्या कर रहा है? क्या क्या वो खो गया? मुझे ऐसा लगता है। चलो चलो दोस्तों, हमें चलते रहना होगा। चलो, हम रुक नहीं सकते। चलो, आराम से, हमें चलते रहना होगा। चलो, क्लो, एक मिनट, मुझे लगता है वो लोग कुछ कर रहे हैं उसके साथ। ओके, हमें यहाँ से बच के निकलना होगा, कैसे भी करके। उसे क्या हो गया है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? लो, वो देखो लाइट, वो लोग उसके साथ कुछ कर ही रहे होंगे, शायद उसकी प्रोग्रामिंग। पूछना क्या है? मैं जानना चाहता हूँ हॉर्नेट का ओरिजिन कहाँ है। ओरिजिन किसने डिजाइन किया और किसने प्लान किया था? मैंने तुम्हें बताया ना, प्रोफेसर ने प्लान किया था, शायद हेलेन ने मदद की, मैंने बस उसे बनाया था और कुछ भी नहीं। लगता है तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, समझ नहीं रहे शायद तुम। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, वैसे एक बात सच कहूं तो तुम बहुत ही कमीने किस्म के इंसान हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम्हारे शैतानी दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे बताओगे? तुम जितनी चाहो मेरी इंसल्ट कर सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें हेले नहीं मिलेगी और चिलोए भी नहीं मिलेगी। ऐसा बोल रहे हो जैसे कि वो अभी जिंदा है। हो भी तो सकती है। तो बेहतर होगा जैसे तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो वैसे उन्हें बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम इन्हें देखना चाहते हो तो मुझे बताओ कि हॉर्नेट कहां से आया, बताओ। मैंने कहा ना, हमने उसे बस बनाया है। मैंने कहा पूरा हॉर्नेट नहीं, इस तरह की टेक्नोलॉजी 3 कॉलेज के बच्चे एक बेवकूफ प्रोफेसर के साथ नहीं बना सकते। नहीं 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 नहीं, इसके कुछ पार्ट्स तुमने नहीं बनाए हैं, ये तुम जानते हो, और वो उन्होंने बनाए होंगे, एलियंस ने। एलियंस? हाँ, नॉन ह्यूमन ओरिजिन, समझ गए? एलियंस नहीं होते। तो तुम्हारी कहानी जो तुम इतनी देर से मुझे सुना रहे थे, वो क्या पता वो तुम्हारा ही हो, गवर्नमेंट का कोई एयरक्राफ्ट? हाँ, अगर वो होते भी तो भी हमारे नहीं है वो। मैं ये कैसे मान लूं? जब से मैं यहां पर आया हूं तुम मुझसे झूठ ही बोल रहे हो। वो रशियन हो सकते हैं, चाइनीज हो सकते हैं, इंडियन हो सकते हैं। शायद हम इसे सॉल्व कर पाए अगर तुम मुझे बता दो कि हॉर्नेट के पार्ट्स कहां से आए। हॉर्नेट के पार्ट्स? हाँ ठीक है, तुम सही थे, मैं तुमसे ये बात कब से छुपा रहा था, अब शायद बताने का वक्त आ चुका है। तो तुम तैयार हो? हाँ। ओके। हाँ, वो उन बड़े बड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस में शायद होकर आए थे, वो बहुत ही अजीब थे, उस पर यूएस की पोस्ट ऑफिस की स्टाम्प लगी थी, इस बार मैं सच कह रहा हूं।
अपनी कसम खाता हूं। तुम्हें लगता बहुत फनी? हाँ, मैं कब से तुमसे सच्ची तो बता रहा था, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। कैसी हो तुम? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। It's okay. शायद कुछ है। ओके, रुको रुको। लंबी सांस लो तो। तुम कैसे हो? Come on, बच्चों। शायद तुम्हारा हाथ टूट गया है। मुझे लगता है कि डिसलोकेट हो चुका है। आराम से। मेरा हार, तुमने तो पूरा तोड़ दिया। मुझे पता है। अरे कोई बात नहीं। हेलेन, सांस लो। सच में आई हेट यू। तुम ठीक हो जाओ। सांस लो। मेरा हार, सांस लेते नहीं उठ रहा है। तुम ठीक हो जाओ। तुमने तो मेरा हाथ को पहले से और ज्यादा खराब कर दिया। दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम वो पक्का हमसे नाराज होने वाले हैं। समझ गए। देख लेना, वो पक्का गुस्सा होंगे। सांस लो, हम बिल्कुल ठीक हैं। हम ठीक हैं। तुम्हें लगता है कि हम यहाँ सारी रात रह सकते हैं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, बस सांस लेते रहो। लगता है हम यहीं मर जाएंगे। सब ठीक है। मुझे भरोसा नहीं है, ना ही एलियंस पर और ना ही गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज पर। मैं बस जानता हूँ कि जो मैंने माउंटेन पर देखा था। ठीक है, तो उसी बारे में बात करते हैं। उन स्लीपर्स के खिलाफ हॉर्नेट को रीप्रोग्राम करने के बाद क्या हुआ था? मैंने तुम्हें तो ये बात नहीं बताई। क्लोई, हेलेन, क्या उन्होंने तुम्हें बताया? शायद। मुझे डिटेल्स में बताओ, शायद तुम लोग फिर से मिल पाओ। शायद, कुछ भी गारंटीड नहीं होता। मैं तुमसे नफरत करता हूं, समझे? मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूं, ये तो तुम जानते ही हो। फिर उसके बाद क्या हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है। बहुत ही दर्दनाक। मुझे आराम करने दो। मुझे नहीं पता इस रिकॉर्डिंग को कोई देखेगा या फिर शायद कोई देख भी ना पाए, पर ये एक साइंटिस्ट का काम है चीजों को डॉक्यूमेंट करना, और इस एक्सट्रीम कंडीशन में मुझे ये करना ठीक लगा। हॉर्नेट काबू से बाहर हो गया है। शायद उन फोर्सेस ने उसे प्रोग्राम कर दिया है, और जिन्होंने भी ये सब किया है, और खुद के ही रोबो से भागते हुए जंगल में शायद कहीं खो गए हैं, और हॉर्नेट की एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना हम खो चुके हैं। क्लो को बहुत चोट आई है, और हम बस यहां से निकलना चाहते हैं, कैसे भी, इस माउंटेन से सेफली। अगर सच कहूं तो ये सब शुरू से हमारा यही मकसद था। मैं कुछ ज्यादा ही जिद्दी थी। हेलेन, ऐसा मत कहो। नहीं, ओक लो, ये मेरा आइडिया था एक्सपेरिमेंट करने का। मैं सेल्फिश हूं। तुम दुनिया बदलना चाहती थी, तुम सेल्फिश नहीं हो। हाँ, ओके, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हम सबकी है।
हमने हॉर्नेट को मिलकर बनाया है। हम यहाँ साथ में आए हैं और हमें इस प्रोजेक्ट पर भरोसा था। क्या मतलब भरोसा था? अभी भी है, अभी भी है। हाँ, हाँ, अभी भी है। हम उसे गलत हाथों में जाने से रोक भी नहीं पाए। एलियंस, तुम क्या करने वाली हो? एलियंस, उस रेंजर के चेहरे के बारे में सोचूंगी। वो भी उन्हें में से एक है। इस रेट से तो ये सब जगह फैल जाएगा। हाँ, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे रोबो हो या ना हो। पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया या नहीं, लेकिन मैं यहाँ से निकलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और रात में सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम है, समझे? हाँ, लेकिन मुझे ऑर्ड्स के बारे में नहीं जानना, ओके? ये तो स्टैटिस्टिक्स की बात है, इसीलिए तुम्हें बता दी। एज अ साइंटिस्ट मुझे लगा तुम्हें जानना चाहिए। मुझे एक मिनट देना। हाँ, श्योर। कितना वक्त और? क्या कितना वक्त? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ज्यादा वक्त नहीं, हम कुछ घंटे तो संभाल सकते हैं, लेकिन जल्दी ही मेडिकल हेल्प लगेगी। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो तुम्हारा प्राइस ट्राय तो नहीं रहा, बहुत तकलीफ हुई होगी ना? मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्लोई घायल थी और मर रही थी, क्या वो मर गई? तुम उसके बारे में पूछते रहते हो, उसके लिए कुछ स्पेशल प्यार तो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, वो जिंदा है भी या नहीं? ये दिख रहा है कि जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, मुझे जवाब नहीं मिला है। उसका इनसे क्या लेना देना? देखो, तुम्हें ये कभी अजीब नहीं लगा कि हॉर्नेट को इतनी आसानी से रिप्रोग्राम कर सकते हैं? तो अब आपको मुझ पर यकीन है? हा? कह सकते हो हाँ, यकीन है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फ्लाइंग शिप्स आसानी से तुम्हारे दोस्त को रिप्रोग्राम कैसे कर सकते? हाँ, बिल्कुल। अजीब तो था, बहुत कुछ अजीब हुआ था उस दिन। वो दिन हमारे लिए मनहूस था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। देखो, हमारा रोबोट हाईजैक हो गया था और हम थक चुके थे। तुमने कभी भी अपने रोबोट दोस्त के ओरिजिन के बारे में नहीं सोचा? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? Come on, Luke. तुम्हें समझना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है, और तुम और तुम्हारे दोस्त ये सारे के सारे बेवकूफ तो नहीं हो सकते हैं ना? आखिर कहना क्या चाहते हो? लड़की को अंदर लेकर आओ। कौन लड़की? क्लोई, हेलन, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? उसको हाथ भी लगाया ना, क्लोई? तो बोलिए मिस मार्टिन, आपने ल्यूक से क्या छिपाया? मैंने क्या छुपाया इससे? उस ड्रेस के बारे में, हॉर्नेट के बारे में? ऐसा क्या नहीं बताया उसे कि अपनी जान दांव पर लगा गई थी? लोग इसकी बात मत सुनो। अब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है इन्होंने तुम्हें। हमें निकलना होगा अभी। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लोगों को पता है मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। कॉले, I'm sorry, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। तुम लोग फैक्ट्स और फिगर्स में ज्यादा अच्छे हो, इसलिए। देखो क्लोई, हम पूरी कोशिश करके तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे, ठीक है? अच्छा होगा अगर लेकर जाओगे तो। मैं प्रोफेसर का चेहरा देखना चाहती हूँ जब रोबोट के बारे में बताऊं। हाँ हाँ, बताएंगे। अगर वो वापस आ गए तो? हाँ, इस बार तो हॉर्नेट भी नहीं है वार्न करने के लिए। सच में मुझे सबसे ज्यादा चिंता हॉर्नेट की है। तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओ। क्या क्या
क्या कह रही हो? बिल्कुल नहीं, स्लो नहीं करना। चलो स्लो नहीं करोगी क्लोई। वैसे भी ये तुम्हारा प्रोजेक्ट था। नहीं, ये हमारा प्रोजेक्ट था। तुम्हारी रिसर्च थी, तो बेहतर होगा तुम वापस जाकर लोगों को बताओगी कि क्या हुआ। बस करो क्लो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं कितना भी झगड़ा कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। ओके, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हर बार अपनी मनमानी करती हो। आज की रात बहुत लंबी होगी। हाँ गाइस, और आई एम सॉरी, लेकिन हमें पावर डाउन कर देनी चाहिए बैटरी बचाने के लिए रात भर में। हाँ बिल्कुल सही हो तुम। हे क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। हाय, आई एम हेलेन मार्टिन। मैं फिर से साइन ऑफ कर रही हूँ। हमें दुआ दीजिए। मुझे लगा कि मैंने उसे उड़ते हुए देखा। हाँ, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। चलो जल्दी करो, हम रुक नहीं सकते। अरे यार, ये तो वही है। हेलेन, क्लोई को पकड़ो। चलो, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। जाओ, भागो। चलो निकलो, वो हमारे ऊपर है। जल्दी करो। चलो, निकलो यहाँ से। जाओ, जाओ, जाओ। जल्दी करो। मुझे यही रहने दो। हम साथ नहीं चल पाएंगे। चलो, जल्दी से मेरे पीछे रहो। चलते रहो, चलते रहो। वो आ रहा है, भागते रहो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो 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 चलो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो चलो, कोई चलो। चलो भागो, जल्दी करो। आराम से, जल्दी करो। चलो चलो जल्दी। वो मेरी तरफ आ रहा है। चलो जल्दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी करो, जल्दी। छोड़ने दिए, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो, वो मेरी तरफ आ रहा है। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो जल्दी जल्दी, तुम रुक नहीं सकते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस निकलो, कम ऑन, भागो, आगे बढ़ो। नहीं भाग सकती, प्लीज। चलो चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलते रहो, चलते रहो। चले जाओ, चले जाओ प्लीज। हॉलेट, 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 तुम क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो एक नंबर के। तुम ये सब क्यों कर रहे हो हॉर्नेट? देखो तुमने हमारे साथ क्या किया है। ये क्या कर रहे हो तुम? रेडिकेट ऑल टारगेट यार, डिस्ट्रॉय। तुम हमारे जान लोगे। डिस्ट्रॉय, हमने तुम्हें बनाया है और तुम डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। वो सुन नहीं रहा है, ओके? इसे छोड़कर चलते हैं। रेडिकेट ऑल टारगेट्स, डिस्ट्रॉय, 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 डिस्ट्रॉय। कम ऑन, डिस्ट्रॉय। चलो, चलो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। आगे बढ़ते रहो। मैं नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे यहीं छोड़ दो। तुम रुक नहीं सकते, तुम लोग चले जाओ, ठीक है? कम ऑन, हमें कहीं बैठने की जगह ढूंढनी होगी। चलते रहो, चलते रहो, कम ऑन। मैं नहीं चल सकती। बैठ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी के लिए पता नहीं क्या होने वाला है,
ऑल राइट गाइज, कोई थॉट, कोई थ्योरीज, हमें कुछ तो सोचना होगा वो रोबोट हमारे पीछे ना आए। अभी हम साइंस स्टूडेंट्स बनने वाले हैं। कम ऑन क्लोई, हम यही तो वेस्ट करते हैं, राइट? ऑल राइट, हमें कुछ तो करना होगा। अब हम क्या करें? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, ये सब मेरे बस के बाहर है। हे गाइस, सुनो तुम्हें? क्या? हवा है, वहाँ है हवा, वो वहाँ से आ रही है शायद। गाइस मुझे फील हुई थी, वहाँ से आ रही है। शाबाश। शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता होगा। कम ऑन, चलो चलते हैं। ओके, माफ करना, चलो आ जाओ इस तरफ, आ जाओ। कम ऑन, चलो। हेलेन, मैं देख रही हूँ शायद वो खो गया। चलो मुझे लगता है वो चला गया है। नहीं, वो नहीं गया है। हेलेन, कम ऑन। हेलेन, वो जिंदा होगी, हमें चलना होगा, हमें Helen! आगे बढ़ना होगा। Helen! मुझे लगता है वो चला गया। चलो क्लोई। हेलेन, देखो वो उसे ले गया, देखो। कम से कम वो जिंदा तो है, वो जिंदा है, पता नहीं मुझे, मुझे नहीं पता। क्लोई, क्लोई शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, सांस लो, सांस लो, क्लोई सांस लो, मेरी तरफ देखो। इधर देखो, प्लीज जाओ उसे ढूंढो। ओके, प्लीज हम ढूंढेंगे उसे। ओके, हम कैसे भी करके उसे ढूंढ कर रहेंगे। चलो चलो इस तरफ, चलो इस तरफ चलते हैं, आओ। कम ऑन, कम ऑन। इधर आ जाओ, आराम से सांस लो। हम पहुंच गए। तुम्हें केयरफुल रहना है, हमें हेलेन को ढूंढना है। ओके, देखो तुम्हारी इंजरीज खराब करके वो नहीं मिलने वाली है। चल मत दो मुझे क्लोई, मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता। ओके, नहीं खोना चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा?
मतलब मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं भी, मुझे भी फिक्र है तुम्हारी। देखो हम हेलेन को ढूंढ लेंगे, मैं वादा करता हूँ। मेरी तरफ देखो, मैं वादा करता हूँ। ओके, तुम्हें चोट लगी है, तुम थोड़ा आराम कर लो। मुझे पता है, मुझे पता है। I'm sorry. हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम हेलेन को ढूंढकर उसके साथ यहाँ से निकलेंगे। समझ गए ना तुम? ओके, प्रॉमिस। ओके, यहाँ आराम से, धीरे से। ओके, ठीक है, बस। ओके, हाँ, शायद हम नजदीक पहुंच गए हैं। ध्यान से, मुझे लगता है कि वो वहाँ है। लाइट बंद करो, हेलेन, बंद करो लाइट। ओह माय गॉश, ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ करना होगा। वो उसके साथ क्या कर रहे होंगे? वो रिमोट तुम्हारे पास है क्या? हाँ, ये लो। ओके, मेरे पास एक आइडिया है। तुम क्या करने वाली हो? हाँ, मैं ये कर रही हूँ। तुम करने क्या वाली हो? मैं इसको रिबूट करने वाली हूँ। रिबूट? हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ, मुझसे जितना जल्दी हो सके मैं कर रही हूँ। ओके, रुको, ये हो रहा है। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम कर पाओगी? हो जाएगा। ये फायरवॉल है। क्या तुम उसे बाईपास कर सकती हो? हाँ, कर तो सकती हूँ। हेलेन प्लीज, वहीं रुक जाओ प्लीज, जल्दी से। ओके हेलेन, मैं कर रही हूँ। ओके, अरे यार, अरे नहीं, उन्होंने हमें देख लिया। हो रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। वो आ रहे हैं, जल्दी करो। हम क्या करेंगे? जल्दी से। हेलेन, नहीं कर रहा लू, काम नहीं कर रहा। हो गया, पहले मैंने पायलट गन, स्टेशन रेडिकेट, ऑल टारगेट्स डिस्ट्रॉय। रोई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलेन, आओ, मैं आ गई। आओ जल्दी से, मैं आ गई। तुम ठीक हो? रोई, तुम ठीक हो? मुझे लगा तुमने रोका उसे। And I'm so sorry. आज तक मैंने जो भी गलत बोला उसके लिए मैं दुआ करूंगी कि ना ये हो क्या ऊपर वाले। ओके, हम सभी को यहाँ से निकलना है। अरे नहीं, वो फिर से फाइट कर रहा है। अरे बोटे को, एकर्स को बचाना है। एलिमिनेट बायोलॉजिकल इन्वेस्टेशन रेडिकेट ऑल टारगेट्स डिस्ट्रॉय। रोल, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर वो मरा तो हम सब भी मर जाएंगे। वो हमारे लिए खतरनाक है, हमें उसे नष्ट करना होगा। मैं हेलेन मार्टिन हूँ, यहाँ अपने दोस्त कैलो और लूक के साथ हूँ। और हाँ, हमने जो साइंस एक्सपेरिमेंट माउंटेन में शुरू किए थे, वो एक्सपेरिमेंट, वो एक बुरे सपने में बदल गया है। आप देख सकते हैं, ये जो मेरे पीछे है, जिसका मकसद हम इंसानों को खत्म करना है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट ये पूरी तरह बर्बाद हो गया। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारा रोबोट एक सिंपल से कोड से नहीं कंट्रोल हो सकता। वो एक सिंपल सा कोड नहीं, बल्कि बहुत बड़ा कोड था, और हम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और तुम और ज्यादा तैयार हो सकते थे अगर तुम्हारे दोस्तों ने सच कहा होता तो। ये बार बार ऐसा क्यों कह रहा है? क्या? कम ऑन मिस मार्टिन, इन्हें बताइए। हॉर्नेट के बस कुछ अलग पार्ट्स जो प्रोफेसर ने खुद बनाए थे, और उन्होंने कहा था उन्हें मिले हैं।
ये सब उन्होंने खुद कहा था मुझसे। मिले हैं वो भी कहां से? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर उसमें जो भी कुछ यूज हुआ था वो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। उसके बहुत सारे पार्ट्स मिसिंग थे और पर मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि प्रोफेसर ने मुझसे खुद कहा था, लेकिन मैं जानती थी कि उसके पार्ट्स मिसिंग हैं। और अच्छा, और ये बात तुमने मुझसे छुपाई? तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे प्रोफेसर ने मना किया था कुछ भी बताने को, इसीलिए, और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी इसीलिए मैं नहीं बता सकी। बकवास है हेलेन, हम पर अटैक हो रहा था और तुमने बताया भी नहीं। तो हम पर जो अटैक हो रहा था वो हॉर्नेट की वजह से हो रहा था और तुम्हें ये पता था? तुम्हें पता था लोग, मैं नहीं जानती थी। गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है। ल्यूक, हॉर्नेट को ढूंढने में हमारी हेल्प करो। भाड़ में जाओ यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। देखो, अगर हॉर्नेट एक्टिवेटेड रहा तो कुछ भी हो सकता है, हमें उसे ढूंढ कर उसे बंद करना होगा। उसने तुम्हें माउंटेन्स में ढूंढ लिया था, तो कोई तरीका तो होगा जिससे हम उसे ट्रैक कर सकें। लुक, क्या? नहीं, मुझे ना करने की वजह तो बताओ। क्योंकि हम इस आदमी का भरोसा नहीं कर सकते। तुम पर भरोसा कर सकते हैं? हमने अभी तक जो कुछ भी देखा और सुना इस बात की गारंटी नहीं, ये गवर्नमेंट मैन है। लुक, हम 6 महीने से दोस्त हैं, समझ रहे हो तुम? और क्या तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है? अगर क्लोई जिंदा नहीं है तो मुझे यकीन है कि वो ठीक होगी, पर हमें उसे ढूंढने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा, ठीक है? कुछ वक्त के लिए चल जाएगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तुम नहीं जानते हमें, इंसान कमजोर होते। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानता हूँ। लगता है कि बचपन में तुम्हें ज्यादा किसी से प्यार नहीं मिला। हेलेन सही कह रही है, तुम्हें हमारे साथ जो भी करना है कर लो, अब हम अलग नहीं हो सकते हैं, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो। गेम ओवर। गेम ओवर, बेचारे, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, यही मरो। हॉर्नेट? हाँ। नॉक नॉक, हेलेन मार्टिन। हॉर्नेट, हॉर्नेट, हॉर्नेट दोस्तों को बचाने आया है। क्लोई कहाँ है? हॉर्नेट क्लो को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, वो आराम कर रही है। हम तुम पर भरोसा कैसे करें? हॉर्नेट, तुम्हारा प्राइमरी डायरेक्टिव क्या है? मेरी पहली जरूरत आपको बचाना है दोस्तों,